गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ फ्लावर एग्जीबिशन देखने के लिए बीएचयू का। जो फ्लावर एग्जीबिशन होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। चलता हूँ वहाँ डायरेक्ट और आपको लेकर चलता हूँ मैं। जल्दी बस कुछ टाइम में और लोग पहुँच जाएंगे फिर। चले फिर। चलिए सर, बस हम लोग पैदल चल रहे हैं, बस जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर। पहुंच गया फाइनली हम लोग, ये रहा प्रोजेक्ट यहां पर। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, इतना बेहतरीन जगह है यहाँ पर। हाँ, अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। नए नहीं है ये ईंट पत्थर है विश्व फ्लावर एग्जीबिशन है बीएचयू में। हमारे ये मदन मोहन मालवीय जी का दिन है बीएचयू, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये आज फ्लावर एग्जीबिशन दो दिन 25 और 26 चलेगा। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इसमें अपीयर हुए हैं। अपरंपार है यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा की, सत्य पहले फिर आत्मरक्षा, बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर ये सत्य शिक्षा की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुन ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। इसमें बात आ करो, तुम कंचा बाय कर दो। मैं आ गया हूँ बिल्कुल अंदर, और यहाँ का जो नजारा है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे मतलब मुझे अलग अलग टाइप के फूल मिले और अलग अलग टाइप की सब्जी मिली, अलग अलग सब्जी, वैसा सब्जी मुझे लगता है कि आप भी शायद नहीं देखे होंगे। तो बहुत काफी लोग यहाँ पर आए हुए देखने के लिए, अगर मैं पास जाकर दिखाता हूँ मैं। ओके, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी। राजधानी, राजधानी सुरम्य धाराए वरुणासी, नहाए जिन में कबीर तुलसी, भला हो कविता का क्यों न आकर ये वाग विद्या की राजधानी।
मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राज मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी ये तीनों लोकों से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी जो भी आप यहाँ पे फ्रूट्स देख रहे हो या जो भी सब्जी देख रहे हो आप ये कहीं बाहर से नहीं, ये BHU के अंदर ही एग्रीकल्चर फैकल्टी में उगाया गया है, तो वहाँ का सब्जी और वहाँ का फल और वहाँ का फूल यहाँ पर लगाया गया है। अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी अपरंपार है यहाँ की है ये। थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर थोड़ा नजारे देखते हैं कैसा नजारा है बाहर का। रामदास महेश्वरास जी का ये शॉप है, इनका शॉप है भेलपुर कमक्षा में, जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे वहाँ पर जाके ये सारे आइटम मिल सकते हो, बहुत ही एक से एक नया इनका चीज़ें हैं। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे मेले में तो चीज़ लगा हुआ है बट यहाँ नहीं ले पाते हो आप, तो वहाँ भी ले सकते हो आप। हाँ थैंक यू। सर आपको कैसा लगा सर यहाँ का फ्लावर एग्जीबिशन? मैं तो हर बार फ्लावर एग्जीबिशन में 25 दिसंबर को आता हूँ, बहुत मजा आया। सारे तरह के हर कलर के फूल पत्तियाँ और फल सब चीजों का एग्जीबिशन था, भले ही नाम फ्लावर एग्जीबिशन है, बहुत मजा आया। और जिस तरह के फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर के एक गुलदस्ते में सजाए गए थे, उसी तरह का अपना देश भी है, हर कलर के हर जात के हर धर्म के हर पहनावे वाले हर कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़ा मजा आता है। कहा जाता है कि इंडिया सारे धर्मों का टोच का थॉट वाले लोगों का फिलोसफर्स का
आर्टिस्ट का एक मिलन बिंदु है। तो यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन में जिस तरीके से सारी चीजों का समावेश था वो रियली अमेजिंग था, और मैं आता हूँ तो हमेशा इसी तरह से कनेक्ट करके दिखता भी अपने लाइफ को, अप्स एंड डाउन्स और कलरफुल लाइफ को रिलेट करता हूँ। तो मैं सबसे बोलूंगा जितने भी लोग जानते हैं तो ठीक है वो जरूर आए, वो तो आते ही होंगे, और लेकिन लोग नहीं जानते तो इसके थ्रू जाने और वेट करें हर साल के लिए कि ये 25 दिसंबर को यहाँ पे ऐसा होता है और आइए। टाइमिंग 3 से 6 होता है सर ना, 3 से 6 चाहते हुए फूल दिखना है, मुस्कुराते हुए फूल दिखना है, तो आप 25th को ही आइए और वेट करिए, और चाहे टाइमिंग मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि आप बल्कि 3 बजे आइएगा और आपको मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी। तो वीडियो की हमें खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और जहाँ भी रहेगा आप खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।